हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल तुरई। तो इसके लिए मैंने तुअल की दाल यानी अरहर की दाल ली है और यहाँ मैंने 1 कप दाल ली है और इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है 2 से 3 पानी और उसे सोक करने के लिए रख दिया है मैंने 20 मिनट के लिए। और 1 तुरई मैंने यहाँ पर ली है, इसे अच्छे से मैंने वॉश करके छील लिया है। अब इसे मैं चॉप कर लूँगी, तो इसे हम काट लेंगे और फिर हमें क्या करना है, दाल को और तुरई को दोनों को एक साथ सीटी बजाना है। तो सीटी पहले हम पानी तुअल दाल में पानी डालेंगे कम से कम 2 कप और फिर उसमें ये चॉप की हुई तुरई डाल लेंगे। लेकिन तुरई जैसे आप छील रहे हैं और काट रहे हैं उसके पहले काटने के टाइम में एक बार आप टेस्ट कर लें कि कड़वी तो नहीं है। कड़वी तुरई यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसे डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। तो 4 विसल लेके हमने इसे बॉईल कर लिया दाल और तुरई को एक साथ और मैंने इसे अच्छे से विस्कर से मिक्स कर लिया है। और ये सब चीज़ हमें लगेगी, तो सबसे पहले हम राई डालेंगे, जीरा डालेंगे और लाल और खड़ी मिर्च डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे और थोड़ी सी हमने यहाँ पर ली है लहसुन और हरी मिर्च भी ली है और फिर हम हींग डाल देंगे। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉप्ड अनियन डाल के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे अनियन को और फिर जब ब्राउन हो जाएगा तब हम टोमेटो ऐड कर देंगे। और जैसे ही हम टोमेटो ऐड करेंगे यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो दाल तुरई मैंने बॉईल करने के टाइम में थोड़ा सा हल्दी और नमक डाला था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा हल्दी नमक और गरम मसाला और डाल दूँगी और धनिया पाउडर भी। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए हैं और इसे अच्छे से हम पकने देंगे। जब टमाटर अच्छे से पक जाएगा तब हम यहाँ पर दाल और तुरई जो हमने बॉईल की थी वो हम डालेंगे। दाल तुरई क्या होता है कि चने दाल का भी बनता है, मूंग दाल का भी बनता है, मसूर दाल का भी बनता है, तुअर दाल का भी बनता है, तो कोई भी दाल का आप बना सकते हैं। तो अच्छे से इसे बॉईल आने देंगे, पकने देंगे और बस ऊपर से हम धनिया डाल देंगे और हमारी ये दाल तुरई बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और बनाइए, खाइए और बताइए कैसी लगी ये रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।